बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख्वातीन व हज़रात, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया पूरा पूरा मुल्क लॉकडाउन के हालात से दो चार है, और इस कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग पूरी दुनिया से रुखसत भी हो चुके हैं, कई लोग मरीज़ भी हैं। लिहाजा और ऐसे ही हालात में ईद का मुबारक और मुतबर्रक दिन भी आ रहा है। ईद जो कि मज़हब इस्लाम में एक बड़ी खुशी और बड़े जश्न का दिन है। ईद हर मुसलमान को अल्लाह ताला ने इसलिए अता फरमाई है कि जो हम लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, तो उसके इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने ये दिन रहमत फरमाया है। तो ईद तो हम लोग ज़रूर मनाएं, लेकिन ईद सादगी के साथ मनाई जाए। ईद के दिन घर में सिवई तो ज़रूर पके और पकवान तो ज़रूर पके, लेकिन ईद के जो बजट का जो बजट है उसका 50% हम लोग कोशिश करें कि गरीब गुरबा में तकसीम करें, जिससे कि उनकी मदद हो सके। और हम लोग नए कपड़े ना बनाएं, बल्कि जो बेस्ट पॉसिबल कपड़े ऑलरेडी हैं वही पहन करके ईद की नमाज़ पढ़ी जाए। तो इससे एक जो गरीब गुरबा हैं जो कि कपड़े नहीं बना पाएंगे, उनकी हम लोग बड़ी तादाद में मदद भी कर सकते हैं और एक नेक काम कर सकते हैं। और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी से हम सबको और पूरी दुनिया को निजात दें।